कि एक आदमी धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ एक टीचर गया उसके बागेश्वर धाम में और वो अब तक वापस नहीं लौटा, ये दैनिक भास्कर की खबर है। मैं आपके कैमरे पर चाहता हूँ, देख लीजिए, दैनिक भास्कर की खबर है कि बिहार से बागेश्वर धाम पहुँचा शिक्षक दर्शन के बाद लापता, 4 महीने से नहीं मिला सुराग, फोटो लेकर दर दर भटक रहे परिजन। तो बागेश्वर धाम से लगातार और भी कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लोग गायब हो रहे हैं। तो हंसी मजाक या फिर कोई और बात अपनी जगह है, लेकिन इस मामले में मैं चाहता हूं कि एक FIR इस धीरेन्द्र शास्त्री पर हो और पुलिस उसको अरेस्ट करे, अपने तरीके से पूछताछ करे, ताकि पता चले कि जो इसके धाम में जाते हैं वो लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। पुलिस जांच करके पता करे, ये अभी बिहार की खबर है, भास्कर में है, कहाँ गए वो लोग। तो ये एक गंभीर, मैं बहुत गंभीर आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, दैनिक भास्कर की खबर है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो तुरंत इंस्टेंट अमित शाह जी को चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करे और दिल्ली पुलिस ठीक ठाक पूछताछ करती है। तो दिल्ली पुलिस न समझ में आए तो बिहार का चूंकि मामला है, बिहार पुलिस FIR करे और इस बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का समुचित इलाज करे, जैसे मनीष कश्यप का किया है। पता चलना चाहिए जो लोग उसके आश्रम में जाके गायब हो रहे हैं आखिर कहाँ जा रहे हैं। बिहार की महिलाओं को किसने चोर बता दिया? बागेश्वर धाम प्रशासन, ये पूरे बिहार महिला गिरफ्तार कर गई, पूरे ये बिहार को बदनाम करने का काम इस धीरेन्द्र शास्त्री ने किया है। अगर वो 21 बिहारी महिलाओं को चोर बता रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, तो वो खुद बताए उसका जो पैसा आता है कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। बिहार की महिलाओं को चोर बताने की हिम्मत कैसे की? वो उसके भक्ति भाव में बिहार से उस आदमी को शर्म आती है जो उसको चोर बता रहे हैं। उन महिलाओं को बिहार से वो कैसे कैसे ट्रेन में चढ़ के गई होंगी, जनरल बोगी में चढ़ के कितना इस गर्मी में कष्ट सा होगा, उनको चोर बता दिया। इतने बेशर्म बिहार के लोग किसे टूट पड़े थे और ये बिहारी को चोर बताने का काम करता है इस धीरेन्द्र शास्त्री। अगर बता रहे हैं बिहार के लोगों को तो आप पागल हो? नहीं, वो तो सबको पता है। आप धीरेन्द्र शास्त्री का जो बॉडी लैंग्वेज है आप स्टडी करिए तो आपको बहुत डाउट होगा इस आदमी पर कि ये है क्या आखिर। इसका जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह यह व्यवहार करता है, जिस तरह इसका चेहरा चमकता है, तो आप शंका में पड़ जाएंगे कि है कौन आखिर। पर्ची खोलते हैं तो नौकरी बांटते हैं, भविष्य बनाते हैं। देखिए अब भविष्य ये क्या बताएंगे, पहले बताएं इनके धाम में जो लोग गायब हुए हैं वो कहाँ गए, पर्ची खोलकर बताएं। ये तो पर्ची खोलकर नहीं बता पाए थे कि इनके भाई के ऊपर जो है FIR जब SC ST एक्ट लगा उस समय तो ये पर्ची नहीं खोल पाए थे। अब बताएं पर्ची खोलकर। रिंके के पापा लेने गए थे एयरपोर्ट से, उन पे जो चालान कट गया उनका। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने देश को पागल खाना बना रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री असंवैधानिक बात करता है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तमाम संविधान के ज्ञाता बताएं। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैंने आज तक भारतीय संविधान में पॉलिटिकल साइंस की किसी किताब में हिंदू राष्ट्र एक शब्द नहीं पढ़ा। फिर हिंदू राष्ट्र की बात करना देशद्रोह है कि नहीं? अमृतपाल ने खालिस्तानी राष्ट्र की बात की, देशद्रोह किया, जेल पहुंच गया। ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, ये भी देशद्रोह है, संविधान के खिलाफ बात है। इसके आधार पे भी बागेश्वर धाम को पकड़कर जेल में डालना चाहिए, ये देशद्रोह वाला काम कर रहा है। और कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जो देश के खिलाफ बात करता है और संवैधानिक बात करता है उसका ड्राइवर बना हुआ है। चुल्लू भर पानी में मनोज तिवारी को डूब मरना चाहिए, संसद की शपथ लेकर सांसद बने हैं और असंवैधानिक बात करने वालों का ड्राइवर बना हुआ है, इसलिए देश की जनता ने इनको चुना था। लेकिन इनके जो दरबार जो बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में होगा, फिर ग्रेटर नोएडा में होगा इनका दरबार आने वाले दिनों में। आपने आसाराम बापू का दरबार देखा था, राम रहीम का दरबार देखा था, अभी उनके मुकाबले ये भीड़ नहीं ला पाए। तो आसाराम के दरबार में बहुत भीड़ होती थी, राम रहीम के दरबार में बहुत भीड़ होती थी, अब बागेश्वर जी के दरबार में बहुत भीड़ हो रही है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल तो इनके आश्रम से लोग गायब हो रहे हैं, बिहार का एक टीचर गायब हुआ है, इस मामले की जाँच होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, 2024 चुनाव जो आ रहा है।
ये सच, कुछ लोग कहना इसमें क्या है, सच है। अब बीजेपी का सांसद ड्राइवर बना हुआ है, बीजेपी के पास और कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई काम तो किया नहीं जनता की भलाई का। अब उसके पास यही चारा बच गया, हिंदू मुस्लिम करो, राम मंदिर का उद्घाटन करो, बाबाओं को चुनाव प्रचार में उतार दो। तो बाबाओं के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बीजेपी ने बहुत सारे बाबाओं को यूज किया है, वो आज जेल में पड़े हैं। अब देख लीजिए, अब आप ही सवाल में ही जवाब है कि बीजेपी ने बहुत सारे बाबाओं का इस्तेमाल किया। आसाराम बापू के साथ तो हमने प्रधानमंत्री जी का भी वीडियो देखा है। अब बागेश्वर धाम जी हैं, बागेश्वर जी धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना देख लें भाई, अपना पुर्जा खोल कर अपना भविष्य देख लें, आसाराम कहाँ है, राम रहीम कहाँ है। यदि आपको कहा जाए पर्ची खोलिए बाबा की, तो फिर आप क्या देखते हैं इनकी पर्ची खोलने के बाद? अब कुछ नहीं भैया, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, जो बिहार का आदमी गायब हुआ है उस आदमी की जांच के लिए आप एक जांच कमेटी बनाएं। सबसे पहले यह प्रभावशाली व्यक्ति है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस अपने तरीके से जांच करे, 2-3 दिन रिमांड पे रखे, पता चल जाएगा कि बागेश्वर धाम आश्रम से गायब हुए लोग जाते कहाँ हैं। लेकिन महिला खिलाड़ियों का जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उनके लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं बाबा हिंदू राष्ट्र की तो बात करते हैं, हिंदू बेटियाँ बैठी हैं दिल्ली में, कहाँ से करेगा हिंदू राष्ट्र? इनके लिए मतलब भाजपा का राष्ट्र, मोदी का राष्ट्र, तो ये तो मोदी के खिलाफ बैठी हुई, उसके सरकार के विधायक के सांसद के खिलाफ बैठी है, तो कैसे बोल देगा? इनके लिए भाजपा मतलब हिंदू, भाजपा का शासन मतलब हिंदू का शासन। क्यों लगा आपको समर्थन में जाना चाहिए? समर्थन आज देश की बेटियों की और देश के गर्व की बात है, जो बेटियां देश के लिए गोल्ड लेकर आ रही है, आज उनके साथ उत्पीड़न का मामला बन रहा है, तो हमें हमारी बहनों के साथ में अगर ऐसा उत्पीड़न का मामला बनेगा तो हम तो समर्थन में आएंगे ही आएंगे। कोर्ट पर विश्वास नहीं आपको, पुलिस पर विश्वास नहीं है? कोर्ट पर अगर विश्वास होता तो आज हम कोर्ट के भरोसे बैठे होते, यहाँ पर जन समर्थन नहीं आता। और सबसे पहली बात, आज कोर्ट भी इस अम्बेडकर वादियों को जो संविधान को मानते हैं उन्हें कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं, कानून व्यवस्था पर विश्वास है, मगर कानून व्यवस्था के अंदर जो लोग बैठे हुए उन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन षड्यंत्रकारी लोगों से मिले हुए हैं। जाँच तो हो रही है ना? देखिए, जाँच हो रही है, जाँच मगर जितनी तेजी से होनी चाहिए थी। अगर यही ब्रजभूषण जी अगर आम आदमी पार्टी या तमाम और दूसरी पार्टी से होते तो अभी उनके ऊपर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाता और उनको अपने पद से निष्कासित करके और उनसे इस्तीफा लेकर और उनको सांसद की सीट से भी हटाया। बीजेपी इस पूरे मामले पर चुप है, आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं कोई नेता इस पर बयान? बीजेपी इसलिए शांत है क्योंकि जो जिसने ये उत्पीड़न का मामला बनाया है उनका खुद का नुमाइंदा है, वो बंदा उन्हीं के बीजेपी सरकार का ही वो सांसद है, तो वो क्यों उनके ऊपर एक्शन लेंगे? क्योंकि अगर कोई अन्य पार्टी से होता तो मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी बचाओ आज तमाम देश के अंदर अगर अब उठाकर देखोगे, कोर्ट के अंदर जितने भी केस उठा के देखोगे तो तमाम हर रोज रोज बेटियों के साथ ही उत्पीड़न का मामला बन रहा है। कहाँ बेटियां बच रही है? ये तो सिर्फ उनका जुमला है कि ये अपनी सरकार बनाने का जुमला है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। कब तक रहोगे आप यहाँ पर? जब तक बेटियों को सम्मान, इन बहनों को सम्मान नहीं मिलेगा, इनको इनके अधिकार जो इनके लिए बने हुए हैं वो मिल नहीं जाते, उस षड्यंत्रकारी आदमी को सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। चंद्रशेखर साहब जब तक यहाँ पर है हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ पर रोड पर बैठे रहेंगे।